परेशान ही हूँ, जिंदा हूँ। देखो मेरी सांसें भी चल रही हैं। बाकी का घर छोड़, सबसे पहले केसर के वो क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड माँ, बेस्ट फ्रेंड। हाँ वही, सबसे पहले केसर के बेस्ट फ्रेंड का कमरा साफ कर। केसर अपने बेस्ट फ्रेंड की बहुत परवाह करती है। जब तक वो ये जमालपुर में रहते हैं ना, तब तक उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ध्यान रखती है केसर। और वो अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच किसी भी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। दखल अंदाजी कौन कर रहा है? वो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं बम्बई से, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना, या सब कुछ बच्ची के भरोसे छोड़कर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। ओए मेरी एकलौती तेजी, देख ऐसा तो नहीं है कि धर्म चाचा यहाँ पहली बार जमालपुर आ रहे हैं। अरे वो हर साल लोहड़ी के दिन आते हैं और हर साल हमारे घर में लोहड़ी ऐसे ही मनती है और हर साल केसर की यही जिद होती है। मम्मी मुंबई वाले दद्दू आ गए, दादाजी दादाजी केसर बुआ के बेस्ट फ्रेंड आ गए। जय माता दी, जय माता दी। हेलो भाई धर्म, चल के परंपरा पूरी कर। इस घर की लोहड़ी का हर साल तेरे हाथों से जलना अब एक परंपरा ही तो बन गई है। पर यार मेरी वो बेस्ट फ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दे रही। जल्दी जल्दी। आए, 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 भागो दीदी। हमारी केसर इतनी भोली है कि वो चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और नहीं तो क्या, अरे हमारी केसर है ही ऐसी, जहां भी जाती है अपनी खुशबू छोड़ जाती है भाई। हाँ बात है, क्या हुआ? और केसर ने मेरे अमरूद चुराए, रोज रोज ये बर्दाश्त नहीं होता जिया। और मैं क्या बोलूं, मेरी तो गृहस्थी उजड़ने के कगार पर खड़ी, केसर ने लाचो से मेरी चुगली लगाई। और केसर ने मेरे खेतों को रौंदकर मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी, और ये सम्मी भी तो साथ में था। केसर ये सब क्या है? ओहो माँ, मैं किसकी गृहस्थी क्यों बिगाड़ूंगी, मैंने जो कुछ देखा वही जाकर सच सच सब लाजवंती भाभी को बताया है। पता है सतनाम भाई ने तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें श्री सिनेमा में अंडल पिक्चर देखने की लज्जो लग गई थी। बस मैंने जाकर ये बात लाजवंती भाभी से कह दी और उन्होंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब इसे मेरी क्या गलती? और रही बात अमरूद चुराने की, वो भी चरण चाचा के बगीचे से, तो सब सुन लीजिए कि चरण चाचा ने भी हमारी चार चार गेंदे रखी हैं। अब हम क्रिकेट खेलेंगे तो चक्के चौके तो लगेंगे ही ना, तो मैंने भी इनके बगीचे के अमरूद तोड़ लिए, अब हिसाब किताब एकदम बराबर। हाँ रही बात बलविंदर भाई की फसल खराब करने की, तो वो हमने जानबूझकर नहीं किया, अब ये लोग हमें दौड़ाएंगे तो हम अपनी जान बचाने के तो दौड़ेंगे ही ना, और वैसे भी हम तो सिर्फ दो ही दौड़े, फसल तो तब खराब हुई जब हमारे पीछे इतने सारे ढेर सारे लोग दौड़े। देखिए आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर देंगे, ये लीजिए प्रसाद लीजिए, रेवड़ियां बहुत करारी हैं, खाइए और लोहड़ी के गीत गाइए। केसर पुत्र ये क्या बचपना है, अब तू सयानी हो गई है, अब तुझे ये शरारतें छोड़ देनी चाहिए, और तुझे अमरूद चाहिए थे तो अपने बाग से ले लेती, तुझे बागों की कोई कमी है क्या? कहा ना दद्दू, हिसाब किताब जो बराबर करना था इसीलिए तो। बढ़िया है हिसाब किताब करने वाली, दद्दू से आशीर्वाद लिया। दादी जी। कितनी बार कहा है दोस्तों के पाँव नहीं छूते, दोस्तों से गले मिलते हैं। वही तो। अरे धर्म मुंबई में बाकी सब कैसे हैं, मनमीत पम्मी और वो बच्चे वगैरह? माता रानी की कृपा है
और रुद्र, अब तो वो काफी सयाना हो गया होगा। पर उसको लेकर चिंता लगी रहती है। क्यों? कहने को तो पोता है मेरा, पर महीने में एक दो बार ही मिलता है मुझसे। ये तो है परजाई जी, आज माल्या ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए दिन रात एक तो करना ही पड़ता होगा ना। पर प्राजी, ऐसा काम भी क्या कि जो अपनों से मिलने ही ना दे। चाची जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? रुद्र की शादी कर दीजिए आप। बिल्कुल सही कहा चाची जी, रुद्र की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। यही सोचकर तो हम आए हैं। क्या क्या कहा तुमने? सोच रहा हूँ रुद्र के लिए इसी गांव से एक प्यारी सी बहू क्यों ना ले जाओ। तो कोई लड़की ढूंढी आपने चाचा जी? हाँ। कौन है वो? केसर। सर, मैंने अपने दिल की बात कहनी थी, कह दी। अब फैसला आप लोगों के ऊपर है। कुलजीते, ऐसा चुप चुप क्यों? बस अपनी बच्ची के बारे में सोच रहा था। देख धर्म, तू हमें गलत मत समझना, हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचा रहा है। कैसा सवाल? यही कि क्या केसर तेरे यहाँ एडजस्ट कर पाएगी? जायज है यार, तुम लोगों को ऐसे सवालात की कश्मकश में फंसना बिल्कुल जायज है। तो मुझे देख, मैं भी इसी मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ हूँ। शहर में रह जरूर रहा हूँ, लेकिन शहर की चकाचौंध में मैंने अपने आप को कभी खोने नहीं दिया। हाँ, बदलाव कुदरत का नियम है और जरूरी भी है, लेकिन दोस्त, इंसानी हकीकत तो नहीं बदली जा सकती ना। और हकीकत यह है कि केसर हमारे घर में बाद में एडजस्ट होगी, वो हमारे दिलों में पहले ही घर बना चुकी है। बस तू हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। लेकिन तेरे घर वाले? तू उनकी चिंता मत कर, बस अपनी राय बता, तुझे केसर और रुद्र का रिश्ता मंजूर है या नहीं? अरे बोलना। केसर पुत्र, दरवाजा खोल ले पुत्र। केसर बेटा, खोल दरवाजा। केसर पुत्र, पुत्र दरवाजा खोल ले पुत्र। पुत्र दरवाजा खोल। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ बेटा, मेरी बात नहीं मानेगी? केसर पुत्र दरवाजा खोल। केसर पुत्र नाराज है मुझसे? मेरी बात का बुरा लगा हो तो अपने इस दोस्त को माफ कर देना। केसर बेटा, इसमें ऐसे मुंह फुलाने की कोई बात नहीं। ओफा माँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी है बस। तो ठीक है, मत कर। सच माँ? अरे मैं अब भी जाकर उनसे बोलती हूँ। बाबूजी, माँ, मामा, मामा, मामा। नहीं, आप ये सब दद्दू से मत कहना। अरे कैसे ना कहूँ, हमारी राय लिए बगैर उन्होंने ये बात सोची भी कैसे? वो तो ठीक है माँ, लेकिन दद्दू को बुरा लगेगा ना। अब बात तो करनी पड़ेगी ना, और तो और उन्होंने रुद्र को भी यहाँ बुला लिया है। आप रहने दो माँ, मैं दद्दू से खुद ही बात कर लूंगी। ठीक है, तू बात कर ले, मैं बस उनको ये बोल देती हूँ कि रुद्र को यहाँ ना बुलाएं। पर कहीं रुद्र को भी तो बुरा लग सकता है। अब बुरा लगता है तो लगे, आखिर हमारी केसर की जिंदगी का सवाल है। मैं तो अभी जाकर बात करती हूँ। पर माँ, क्या है? कहा ना दद्दू को बुरा लग जाएगा। तो तू ही बता मैं क्या करूँ। रुद्र को आने दो यहाँ। ठीक है, आने दो उसे, लेकिन पराठे खिलाकर प्यार से समझाकर उसे मना कर देंगे। क्यों बाबूजी? हाँ हाँ, अरे पुत्र तुझे जैसा चाहिए हम बिल्कुल वैसा करेंगे, खुश। तो ठीक है, अब मैं जाती हूँ खेलने, ठीक है? अरे केसर पुत्र, केसर। We have a grand party tonight and I don't want any confusion. Okay? Okay sir. Now go. Chunilal. Papa ji. कैसे हो?
बाबा जी मैंने आपसे कितनी बार बोला कि डोंट कॉल मी चुन्नी लाल, कॉल मी सीएल, सीएनएल। ओके ओके, सब लोग घर पे हैं? यस पापा जी। मनु को बुलाओ। सर वो लाइब्रेरी में है। और पैम? पैम मैडम गोल्फ की तैयारी करने के लिए गई हैं और बाकी सब लोग अपने अपने रूटीन वर्क्स में बिजी है, यू नो। अगर आप कहे तो मैं सबका आपके साथ शाम 4 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। ओ चुप है, ये कह रहे कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है कि जहाँ मिलने दे वास्ते भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। एक मिनट सरोज, मैं बोल रहा हूँ, हम लोग गांव से आ गए हैं और मैं घर के सभी लोगों से अब भी मिलना चाहता हूँ। हाँ जी, न जाने अभी क्यों मिलना है, अभी अभी तो गांव से लौटे हैं, पता नहीं क्या देखा है। वेरी प्यारे पापा जी। जय माता दी। वेरी प्यारे मां। जिंदा रहो। कैसी हो शांति? जय माता दी पापा जी। जय माता दी मामा जी। हां जी ताऊ जी। जय माता दी। जय माता दी ताऊ जी। कोई खास बात? हमने एक फैसला किया है और मैं उस बारे में आप सबकी राय जानना चाहता हूं। कैसा फैसला पापा जी? हमने अपने रुद्रपुत्र की शादी अपने दोस्त की पोती केसर के साथ करने का फैसला कर लिया। ताऊ जी, लेकिन रुद्र केसर से शादी करेगा? गांव की है ना। अरे भाई मैं भी तो गांव का हूँ, मैं रुद्र से बात कर लूंगा। पापा जी आपने लड़की चुनी है तो वो अच्छी तो होगी ही, लेकिन एक बार रुद्र केसर को देख तो ले। हाँ हाँ, रुद्र ही क्यों, केसर भी रुद्र से मिलकर ये फैसला करेगी कि वो शादी करने के लिए तैयार है या। तो केसर भी फैसला करेगी? क्यों नहीं। पर पापा जी रुद्र तो इस महीने बैंकॉक जा रहा है, हम लोग एक काम करते हैं 3-4 महीने बाद हम उन दोनों का मिलना तय कर लेते हैं। रुद्र 3-4 दिन के अंदर ही जमालपुर जाएगा और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो 3-4 हफ्तों के अंदर ही हम शादी कर देंगे। लेकिन पापा जी रुद्र। जय माता दी। जमालपुर, नॉट बैड। रुद्र को खेत तो पसंद आएंगे ही, पर केसर